दिनों देश में एक मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है, जो है इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी ने लिया, जो कि 6,060.51 करोड़ रुपए है। ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड पर मिला इतना चंदा अपने साथ कई सारे सवाल पैदा करता है। वहीं अभी भी इसे लेकर SBI से लगातार पूछताछ जारी है। मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर दूसरे देश की मीडिया भी मोदी सरकार पर कटाक्ष करती नजर आई है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी मीडिया संस्थान न्यूयॉर्क टाइम की। न्यूयॉर्क टाइम के द्वारा लिखा गया है कि भारत में राजनीति एक महंगा व्यापार है, जिससे लाभ खूब मिलता है, और भारतीय मीडिया भी मोदी सरकार का पूरा समर्थन करती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ये भी लिखता है कि चंदा देने वालों में जो नाम गायब है, वो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। डोनर की लिस्ट में अडानी ग्रुप का नाम नहीं है, जिस कंपनी की कीमत मोदी सरकार के आते ही 1,000 गुना बढ़ गई। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने पीएम मोदी के साथ अडानी का नाम भी जोड़ा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। बता दें कि पाकिस्तान भी इलेक्टोरल बॉन्ड पर टिप्पणी करते नजर आया। पाकिस्तान की अखबार डॉन की सबसे पहले आपको हेडलाइन दिखाते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है भारत के टॉप राजनीतिक डोनर पर धोखाधड़ी और टैक्स चोरी की जांच। वहीं DAWN डॉन ने लिखा कि वो कंट्रोवर्शियल स्कीम, जिसकी मदद से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़े युद्ध अभियान की शुरुआत की और अपने प्रतिद्वंदियों को छोटा बना दिया। उस इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा को सार्वजनिक कर दिया गया। सबसे ज्यादा चंदा देने वाली संस्थान एक लॉटरी कंपनी निकली। वहीं इस पर ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया। उसने लिखा कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड को आलोचना का सामना करना पड़ा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन बीजेपी के लिए तगड़ा झटका है। बीजेपी को इस बॉन्ड का सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा था। News 31 उत्तराखंड की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।